बहराइच जिले का तहसील मोतीपुर अंतर्गत थाना सुजौली क्षेत्र में देर रात दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कुछ लोग छुट्टा मवेशियों को लेकर पहुंचे। ट्रॉलियों पर छुट्टा मवेशियों को देख ग्रामीण नाराज हो गए और स्थिति बिगड़ने लगी। इस दौरान आसपास के ग्रामीणों के द्वारा तत्काल सूचना थाना सुजौली को दी। प्रभारी निरीक्षक सौरभ सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मी तत्काल मदनिया चौराहे पर पहुंचे, जहां पर काफी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने छुट्टा मवेशियों को छोड़ने पर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को समझाते हुए दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित मवेशियों को वापस भेजने को कहा। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय ग्रामीणों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर मौजूद छुट्टा मवेशियों के साथ कुछ फॉरेस्ट कर्मियों की संलिप्तता के भी आरोप लगाए गए हैं। सुजौली क्षेत्र में छुट्टा मवेशियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से छोड़ने की खबर सुनते ही तत्काल आसपास के कई गांव सुजौली, चफरिया, कारीकोट, बड़खड़िया क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में किसान मौके पर पहुंच गए और अपना विरोध दर्ज कराया। मामला यह है कि हम लोग खेत में ही मौजूद थे और ये जानकारी हुई कि जो है दो ट्राला, कम से कम उसमें 150 गाय की आसपास थी, और ये वहाँ से छोड़ने आए थे। बता रहे हैं मटेरा वटेरा कहाँ बता रहे हैं, फिर इसके बाद भीड़ काफ़ी इकट्ठा हुई, ककरा बता रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हुई, इसके बाद प्रशासन ये वहाँ मौके पर पहुँचा। फिर इसमें हुआ खैर कुछ नहीं, लेकिन ये प्रशासन विश्वास दिलाया कि जहाँ से आए हैं इनको वहाँ वापस भेजा जा रहा है, लेकिन इनके साथ में फॉरेस्ट विभाग पूरा साथ में था, वो छुड़वाने आया था। वन विभाग हाँ, फॉरेस्ट विभाग पूरा साथ में था, वन विभाग का पूरा सहयोग, फिर प्रशासन साथ में, हम लोग साथ में, कम से कम जो है मौके पर 100-150 लोग साथ में हैं। किसान गाड़ा तक हम लोग छोड़ने आए हैं इनको, अब आगे निकल गए हैं, अब ये जाएंगे आगे छोड़ देंगे या ले जाएंगे, ये अब जो है पता नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।